हनुमान जयंती की रात यहाँ पर छुपा दे चुपचाप एक लौंग, फिर देखे चमत्कार। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। श्री हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। तब से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन हनुमान जी का तारक एवं मारक तत्व अत्यधिक मात्रा में अर्थात अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक कार्यरत होता है। इससे वातावरण की सात्विकता बढ़ती है एवं रज तम गुणों का विघटन होता है। विघटन का अर्थ होता है रज तम की मात्रा का अल्प होना। इस दिन हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्तों को हनुमान जी के तत्व का अधिक लाभ होता है। हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता बताए गए हैं और कहा गया है कि सारे घर के क्लेश मिटाना हो, शरीर की दुर्बलता को समाप्त करना हो या अपने घर की गरीबी को समाप्त करना हो तो आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए या फिर उपाय करना चाहिए। हनुमान चालीसा में भी बताया गया है कि अष्ट प्रकार की जो सिद्धियां हैं, नौ प्रकार की जो निधियां हैं, वो हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुई है और सीता माता ने उन्हें वरदान दिया था। यह अष्ट सिद्धियां बड़ी ही चमत्कारिक होती है जिनकी बदौलत हनुमान जी जो है आपके सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं। आठ सिद्धि में सबसे पहली सिद्धि होती है अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। दूसरी सिद्धि होती है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण कर लिया था। और उसके बाद तीसरी सिद्धि होती है जिसका नाम है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। और उसके बाद चौथी होती है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके बाद पांचवी होती है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को भी समझ लेते हैं और आने वाले समय को भी देख लेते हैं। उसके बाद छठी होती है प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे, साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं सिद्धि होती है ईशित्व सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को देवी शक्ति प्राप्त हुई है और ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा था। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। और आठवीं होती है वशित्व सिद्धि। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम माने गए हैं। अष्ट सिद्धि और नौ निधि। नौ निधि में आती है पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। ये नौ प्रकार की निधियां उनको प्राप्त है। यदि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पांच लौंग लेना है और पांच लौंग हाथ में रख करके हनुमान जी का स्मरण करना है। स्मरण करने के पश्चात इन पांच लोगों में से सबसे पहला लौंग अपने पूजा स्थल पर आप रख दीजिएगा। दूसरा लौंग अपने धन रखने के स्थान यानी तिजोरी, लाकर या अलमारी में आपको रखना चाहिए और तीसरा लौंग अपनी रसोई घर के भंडार गृह में आपको रखना चाहिए और चौथा लौंग अपने बच्चों के विद्या स्थल
स्थल पर, शिक्षा स्थल पर आपको रखना चाहिए। वहीं पांचवा लोंग आपको अपने अतिथि आगमन कक्ष, जिसे आप बैठक रूम या डाइनिंग रूम कहते हैं, वहां पर किसी भी स्थान पर आपको छिपा कर रखना चाहिए। ये पांचों के पांचों लोंग किसी को भी दिखना नहीं चाहिए। इस प्रकार पांच लोंग यदि आप इन अलग अलग स्थानों पर हनुमान जयंती की रात्रि में किसी भी समय रख देंगे तो निश्चय ही आपके घर की सारी नकारात्मकता बाहर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता के साथ में महालक्ष्मी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के साथ में कृपा करेगी और आपका घर अन्न धन से भरा रहेगा और आपके घर की गरीबी, कंगाली या जो भी परेशानियां है वो समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आपके घर की दरिद्रता, गरीबी या रोग जो भी होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो आप इस उपाय को हनुमान जयंती की रात्रि में अवश्य करें, इससे आपके सभी मनोरथ तत्काल ही पूर्ण हो जाएंगे। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।